मतलब कि a की a प्लस बी की होल पावर 100 में a की पावर 100 से बात शुरू होगी और b की पावर 100 में बात खत्म होगी। a प्लस बी की होल पावर 91 में a की पावर 91 से बात शुरू होगी और b की पावर 91 पे बात खत्म। और बात क्या नोट करने वाली है वो ये है कि जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है वैसे वैसे ए जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो पावर लूज करता जाता है। ए की पावर 1 थी, यहां पे ए की पावर 0 हो गई। ए की पावर 2 थी, यहां पे ए की पावर 1 हुई, यहां पे ए की पावर 0 हो गई। यहां पे ए की पावर 3 थी, ए की पावर 2 हुई, ए की पावर 1 हुई, ए की पावर 0 हो गई। ए की पावर 4 से ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर खत्म। और सेकंड टर्म गेन करता जाता है। यहां पे बी की पावर 0 थी, बी की पावर 1 पे खत्म हुई। यहां पे बी की पावर 0 थी, बी की पावर 1, बी की पावर 2। यहां पे बी की पावर 0 थी, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3। यहां पे बी की पावर 0 थी, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 4। क्योंकि अगर हम 9 तक नेचुरल नंबर्स लिखें तो हम टोटल 9 नंबर लिखेंगे, लेकिन अगर हम 9 तक सारे होल नंबर्स लिखें तो हम टोटल 10 नंबर लिखेंगे, क्योंकि हम होल नंबर की लिस्ट को लिखते समय 0 भी उसमें शामिल कर लेंगे। तो जब 0 से स्टार्ट होगी और पहले अगर 100 होल नंबर्स लिखते हैं हम तो उसमें लास्ट टर्म 99 आएगा, क्योंकि आपको पहला टर्म 0 से स्टार्ट होगा। और अगर आपके पास होल नंबर की लिस्ट है जिसमें आखिरी टर्म 100 है तो टेक्निकली आपने 108 टर्म्स लिखे हुए होंगे। उसी तरीके से b की पावर 0 से b की पावर 3 तक पहुंचता है, हर एक टर्म में एक एक उसको इजाफा मिलता जाता है। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि b की पावर 0 से b की पावर 3 तक पहुंचा है तो 4 टर्म्स उसमें आई होंगी, b की पावर 0 से b की पावर 4 तक पहुंचा है तो उसमें 5 टर्म्स आई होंगी, b की पावर 0 से b की पावर 1 तक पहुंचा है तो उसमें 2 टर्म्स आई होंगी। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि अगर a प्लस बी की होल पावर n है तो उसमें n प्लस 1 टर्म्स होती हैं, जिसमें पहली टर्म में b की पावर 0 से शुरू होती है, उसके बाद बी की पावर 1, बी की पावर 2, ऐसे करते करते बी की पावर n तक जाती है, क्योंकि 0 से शुरू होती है तो n तक में n प्लस 1 टर्म्स कंज्यूम हो जाती है।